हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। और आप सभी कैसे हो दोस्त? मैं तो ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे, घर पे होंगे। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं और मेरा घर का सारा काम मैंने कर लिया है। आज जल्दी उठ के थोड़ा काम वाम कर लिया है मैंने। और मम्मी भी अभी ठीक है, ठीक ठाक है। तो अभी मुझे फ़िलहाल जाना है किचन में थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए। तो कल ही मैंने भिगोया था मूंग का दाल और लाल दाल, रेड वाला जो दाल होता है उसको मैंने भिगोया था रात में। तो अभी कैसा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा भिजाऊंगी और ऑनियन मिर्ची सब मिक्स करके उसको बनाऊंगी। और आज का नाश्ता हमारा वही होगा। तो चलते हैं फिर किचन रूम में। तो फ्रेंड्स, अभी हमने चना निकाल लिया है, मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये इसका गजा हो चुका है, देखिए इसका छोटा छोटा ये व्हाइट वाला गजा हो रहा है जैसा लग रहा है ना दोस्तों। तो ये अच्छा होता है, ऐसा निकलना चाहिए। तो अभी मैं इसके लिए ऑनियन और चिल्ली कट कर लेती हूँ। और किस किस को ऐसा सुबह सुबह का सुबह ऐसे चना का नाश्ता करना अच्छा लगता है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो ओनियन का झाग से आँख से आंसू निकल जा रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली सब कुछ कट कर लिया है। तो ये देखिए, चने के लिए ऑनियन, ये चिल्ली और नींबू और टमाटर, कुछ थोड़े से टमाटर काट लिया है। और इसको ये वाला बर्तन में सबको अभी मिक्स करके बनाऊंगी। तो चलिए फिर अभी बनाती हूँ मैं।
तो फ्रेंड्स, मेरा चना मैंने बना लिया है और सबके लिए सर्व भी कर लिया, ये देखिए। तो अभी हम मिलके खा लेते हैं सभी। मेरे मम्मी पापा सबको बाहर से अंदर बुला लेती हूँ, बाहर में है, धूप का मज़ा ले रहे हैं और मैं बुला लेती हूँ, उसके बाद फिर खाएंगे चने को। तो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता वास्ता हो गया है और अभी मैं लंच के लिए रेडी कर रही हूँ। तो लंच में आज बना रही हूँ, नहीं हुआ है कंप्लीट। तो ये सैंडी का भुजिया है, आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, सैंडी और आलू का भुजिया मैंने चढ़ाया है और पापा बाहर में बीन्स भी कट कर रहे हैं, उसका भी भुजिया बनेगा। तो अभी मम्मी और भैया जाने वाले हैं हॉस्पिटल। कल मम्मी को जो हाई बीपी हुआ था उसके लिए थोड़ा सा दिए थे मेडिसिन, तो अभी चेक करने जा रहे हैं कि अभी बीपी थोड़ा लो कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी मम्मी जी अभी रेडी होंगे और जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। तो आने के बाद आप सभी को बताऊंगी कि तो कैसा सिचुएशन है, कैसा कम हुआ कि नहीं हुआ है ना दोस्तों। तो अभी मैं बाहर जाती हूँ और बीन्स को लेकर आती हूँ, उसको भी चढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी 11 बज चुका है। तो अभी मेरा 11:15 में मेरा क्लास होने वाला है दोस्तों, तो जल्दी से उससे पहले मैं अभी चढ़ा देती हूँ और एक धूप भुजिया को। फ्रेंड्स, मेरा नहा धोना और हमारा क्लास ओवर हो चुके हैं, तो मैंने खाना भी खा लिया है, मेरा लंच भी कंप्लीट कर लिया है मैंने। और अभी मम्मी और मैं जो कल जाने वाले थे, तो आज जाने वाले हैं, वो हमारे घर के पीछे तरफ एक साग है जो कि चींटी का साग बोलते हैं, तो उसको तोड़ने जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है वो। तो मम्मी और मैं, मम्मी रेडी हो रहे हैं और अभी निकलेंगे और आप सभी को दिखाऊंगी कि वो साग कैसा दिखता है और उसको कैसा बनाते हैं, उसका बनाने का तरीका भी आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं हमारे घर के साइड की तरफ, जो छोटा सा रास्ता है उसी से जा रहे हैं। अभी हम आए थे तो चींटी साग खोजने के लिए, वो भी प्लास्टिक, फुल बड़ा वाला प्लास्टिक पकड़ के आए थे, लेकिन हमें 2-2 जैसा मिला। मम्मी जी पकड़े हैं, मम्मी जी दूर में हैं, तो अभी दिखा दूँगी, पास में आएंगे उसके बाद। तो नहीं मिला दोस्तों, जैसे खाली हाथ आए थे वैसे खाली प्लास्टिक पकड़ के अभी जाएंगे हमारा घर, और क्या करेंगे, नहीं तो मिल रहा है। तो मैंने सोचा था कि आप सभी को दिखाऊंगी हमारा ये चींटी सब चींटी का भाजी कैसा दिखता है और इसका करी कैसा बनाते हैं, बट नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेटली आप सबको मैं दिखा भी नहीं पाऊंगी, जब होगा तो आप सब, अगर पॉसिबल होगा तो आप सबको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, आज तो पॉसिबल नहीं था, तो नहीं मिला तो क्या करूँ। तो चले फिर घर ही चलते हैं। ये हमारे घर का पीछे तरफ का जगह सब है, तो इसका व्यू है पीछे तरफ, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं घर चलती हूँ मम्मी जी के साथ, और हमारा अर्जुन भी आया है, देखिए इसकी तो कितना खुजली लगता है, जो खुजाते रहता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ मम्मी जी के पास। तो अभी मम्मी जी को जितना मिला था आप सभी को दिखा देते हैं कितना मिला था, दीजिए मम्मी जी। तो ये देखिए, ऐसा है होता है चींटी का साग, बट नहीं मिला, इतना ही मिला, तो ज़्यादा नहीं मिला। तो अभी वापस जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढे बट नहीं मिला। अभी जो हमारे घर के पीछे तरफ जो ये जंगल सा दिख रहा है हरा भरा, वो फील्ड है, जो हम जाते हैं ना पॉन्ड की तरफ, तो फील्ड दोनों साइड में ये फील्ड रहता है। तो ये है लेफ्ट साइड का जो फील्ड है वो है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए, तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर। और हमारे घर में एक बेर का पेड़ है, देखिए जो में जिसमें एक छोटा छोटा उसमें हुआ है, फल लगा है। घर में फल पक जाएगा तो आप सबको मैं दिखाऊंगी, अभी तो कच्चा है, आधा पक गया है, आधा अधूरा। तो फ्रेंड्स, अभी तो इवनिंग का टाइम हो चुका है, तो अभी मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ पहले और स्टडी करने बैठ जाऊँगी दोस्तों।
तो आज अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।